Yo, Shogun, long time no see. Hey, good morning, Shogun and Cassandra. So guys, मतलब finally सो के उठे हैं और वो क्या निकल गया एक टाइम से इतना बड़ा. Anyways, अभी सो के उठे guys. इतना दिन गायब थे हम, कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे, सब चीज़ इस व्लॉग में बताने वाले हैं. क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है मेरे लाइफ में, सब बताने वाले हैं. तो अभी हम जस्ट सो के उठे हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30 AM. तो आज थोड़ा लेट हो गया, हमेशा 6 बजे सो रहे हैं और हम रात में 10 बजे सोते हैं और हम सुबह 6 बजे उठते हैं डेली. तो आज लेट हो गया उठने में. तो पहले जाते हैं जल्दी से फ्रेश व्रेश कर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. ए यो यो, व्हाट द फक, क्या करो भाई तुम लोग. हाँ तो गाइस, पता नहीं क्या चल रहा था यहाँ पे, चुटकी और बैटमैन का क्यों. एनीवेज, जो भी गाइस, उठ गए, फ्रेश हो गए और थोड़ा छत पे आते हैं क्योंकि कुछ वर्कआउट करना है. कुछ व्लॉगिंग भूल गए हम, तो सीधा ऊपर मिलता हम. तो गाइस आ गए छत पे और सुबह सुबह हम छत पे क्या कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे. तो हम डेली सुबह में यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्कआउट, थोड़ा फुटबॉल और धूप आ गई. वाओ. तो गाइस एक्चुअली मेरा भी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था, ये जो कोरोना ये सब चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ था. बट आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूं. तो आई वॉज नॉट वेल, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होता था, फीवर आ गया था, बॉडी पेन हो गया था, क्या हो गया था पता नहीं. देन मेरा बैक में यहाँ पे पता नहीं 2-3 दिन बहुत दर्द पकड़ा रहा, सूज गया था. तो हम इधर उधर नहीं घूम पा रहे थे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बैक का इशू हुआ था. तो अब बैक टू नॉर्मल, थोड़ा बेटर फील हो रहा है. तो अभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं. तो आज के डेट में गाइस सबको एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि सब लोग फ़ोन, कंप्यूटर और ये सब चीज़ में रह गए, हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी सबका तबीयत ख़राब हो जाता है. और हम वैसे बाइकर नहीं हैं जो पेट निकाल के खाली एक जगह खाओ, बाइक चलाओ, खाओ, बाइक चलाओ, नहीं, हम बहुत कुछ में अच्छे हैं. और जो धीरे धीरे हम यूट्यूब पर भी दिखाएंगे. और आई एम अ स्पोर्ट्स मैन ब्रो, सो आई डू. Learn things, thirst, and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me. जितना पहले स्टैमिना बचा था, कॉलेज टीम में फुटबॉल सब खेलते थे, अब उतना बचा नहीं है. बट धीरे धीरे लगेगा. और हम भी उतना तबीयत में ठीक नहीं है और टाइम लगेगा रिकवर होने में. तो एक्सरसाइज बहुत चीज़ अच्छा चीज़ होता है. आप फिर सुबह उठो, फ्रेश एयर में छत पे आओ, एक्सरसाइज करो और इंशाल्लाह सब ठीक होगा. और अगर आप लोग के पेरेंट्स लोग ठीक नहीं है या घर पे ठीक नहीं है, बाहर प्लीज़ मत निकलो. ये सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है इंडिया में, दैट टू 1 साल के बाद. तो प्लीज़ गाइस घर पे रहें, स्टे सेफ और कोरोना से बचें. बहुत दिन से हम जब इंस्टाग्राम पे कभी कभी लाइव आते थे या फिर हम यूट्यूब पे जो GTA 5 एक बार लाइव किए थे, तो उसमें आप लोग बहुत कमेंट किए थे, भाई चंपा गली कहाँ है, भाई डेविल कहाँ है, वो दिखाओ वो दिखाओ. तो बहुत लोगों दिन से हम ना इंस्टाग्राम पे दिखाएं ना हम यूट्यूब पे दिखाएं, क्योंकि हम लाइक उतना बाइक से ट्रैवल वो सब नहीं करते थे. तो ये दोनों बाइक सामने हैं तो आपको दिखाया था. हियर इज़ द ब्यूटी एंड हियर इज़ द बीस्ट. तो चंपा गली बहुत टाइम से यहीं पर खड़ी हुई है अंदर, और डेविल बाहर खड़ा था और कल बारिश हुआ था तो थोड़ा चमक रहा है, लेकिन आप देख सकते हो वो भी गंदे हालत में है. तो आप देख सकते हो हालत. तो मेरा 2 वीडियो पेंडिंग है, पहले का जब XBHP वाले बैंगलोर आए थे उस टाइम का वीडियो.
तो हम सोचे थे डालेंगे, बट सोचे उससे पहले हम एक ब्लॉग बनाएंगे कि हम ठीक है, हम बता देंगे आप लोगों को, उसके बाद वो दो पेंडिंग वीडियो डालेंगे। तो ये वीडियो के बाद गाइस दो पेंडिंग वीडियो आने वाला है जो मोटो ब्लॉग होगा, तो देखना मत भूलना। तो जल्दी से हम ऊपर जाते हैं, आपको चंपा कली भी दिखा दिए हैं, आपको डबल भी दिखा दिए हैं, तो ऊपर मिलता। ए यूट्यूब चल रहा है भाई, पॉर्नहब नहीं। हाँ तो गाइज आ गए ऊपर, और एक और न्यूज़ आपको बताना था, खुशखबरी, जैसे कि कुछ दिन पहले हम एक बिल्ली अडॉप्ट किए थे, लाइक हम नहीं किए थे, हम सोचा था कि उसको कुत्ता कोई मार रहा था, तीन कुत्ता, तो हम उसको लेके घर आ गए थे, घर में मेरे अलाउ नहीं कर रहे थे बिल्ली का बच्चा रखने, इसलिए सिम्बा भी हम अपने फ्रेंड को दे दिए थे। तो हम स्टोरी डाले थे इंस्टाग्राम पे कि किसी को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको दे देंगे ला के बिल्ली, क्योंकि उसको घर चाहिए एक। तो किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी को नहीं चाहिए थी वो बिल्ली, तो हम अपने ही घर में रखे थे। शी इज़ जस्ट 4-5 months ओल्ड और शी इज़ प्रेगनेंट नाउ। हम कुछ नहीं किए भाई, मेरे पास शक मत करो। एक बिल्ला है, बहुत बड़ा बिल्ला, जो एज में बहुत बड़ा, आई थिंक 2-3 years का होगा, और वो आके बच्ची के साथ तो इमोशन कंट्रोल करके बोलेंगे शी इज़ प्रेगनेंट, नॉट नाउ बिकॉज शी गेव बर्थ ऑफ 4 kittens। लिटरली एक किटन होके उन्हें 4 kittens दी, और कल का सीन बहुत हम टेंशन में थे क्योंकि कल ही बच्चा पैदा हुआ है। तो आप फोटो देख लीजिए लीसा का। तो अब हम वो बिल्ली के बच्चों को दिखाने वाले हैं, तो चल। तो गाइज शी इज़ लीसा, माई बेबी गर्ल, अभी बहुत छोटी है, साइज से पता चल रहा होगा, और उनके छोटे छोटे, तो यहाँ एक काला, यहाँ एक ब्राउन, यहाँ ब्लैक एंड वाइट, और उसके पीछे मिक्स कलर। तो सबसे पहले मिक्स कलर वाली पैदा हुई, फिर ब्लैक एंड वाइट पैदा हुआ, फिर ये ब्लैक वाला पैदा हुआ। ब्राउन वाला यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं की, पता नहीं रूम के अंदर पैदा की थी, और हम लोगों को मतलब 5-6 घंटे तो पता भी नहीं चला कि ये एग्जिस्ट करता है छोटो। तो जो इसका बाप है वो एक्चुअली ब्राउन है, तो इसका स्टोरी हम बताते हैं आपको। तो जैसे कि आप लोग देखें कि इसका लाइक बाप ब्राउन एंड वाइट में है, और ये थोड़ा लाइक ग्रेश टाइप है, तो हम बोला था कि लाइक दो तो ब्राउन एंड वाइट पैदा होगा ही, और जब देखें तो पूरे काले काले निकल गए थे, और ब्राउन वाला जब देखे नहीं थे तो हम टेंशन मांगा कि भाई लेकिन उसका हस्बैंड, लीसा का हस्बैंड तो वही है, तो ब्लैक कहाँ से पैदा हुआ। तो हमको थोड़ा देर डाउट हुआ था इस चुल शिष्या पे, हमारा बैटमैन, हाँ तुमने कुछ नहीं किया क्योंकि ब्राउन वाला पैदा हुआ, हमें यकीन हुआ, नाउ गेट लॉस्ट। तो गाइज खुशखबरी, घर में बच्चा हुआ है तो अभी सुबह हो चुका है, मेरा हेल्थ भी अब अच्छा है, बेटर फील कर रहे हैं, और आई एम बैक गाइज, और इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो। तो हमें कुछ बात करना था आप लोगों से, जो हम थोड़े देर में आके बात करेंगे, तो अभी जाएंगे थोड़ा बिल्लियों के साथ खेलेंगे, उसके बाद आपसे आके बात करेंगे। रही बात मेरे पेट्स की, तो आप देख सकते हो ऑस्कर, पिराना, शार्क, टैंक थोड़ा गंदा है, इसको क्लीन करना है, और ये वाला टैंक देख सकते हो जिसमें बहुत कम बच्ची बची है, देन टटोल, हाय अमीन, एंड व्हाट द फक, क्या कर रहे हो भाई टटोल, इतने बड़े हो गए, साइज देखिए आप, अब एक हाथ से भी हम पकड़ नहीं सकते इसको ठीक से। हाँ टटोल, तो गाइस फाइनली ओके, बॉस कट मार लिया हमने टेबल पे। तो गाइस एनी हाउ जो भी है, कुछ बात करना था, जैसा कि हम बोले कि वीडियो के एंड में हमें कुछ बात करना है, तो बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाले थे, और जो रिसेंटली हम व्लॉग डाले उस पर अच्छा खासा व्यूज़ नहीं आया, जबकि वीडियो बहुत अच्छा था, तो वो चीज़ देख के हम बहुत डीमोटिवेट फील हुए, इसीलिए हम सोचे कि लाइक नहीं बस नहीं करना हमको ये, तो इसलिए हम नहीं डालना शुरू किए, डालना ही छोड़ दिए। बहुत लोग सब्सक्राइबर लोग कमेंट किए कि भाई गायब हो गए हो आप, नहीं डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे लाइव बहुत आते थे जब हम, तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ था उससे पहले बहुत लाइव आ रहे थे, लेकिन तबीयत मेरा ऐसा हाल हो गया था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट कर रहे थे, ना यूट्यूब पर कुछ डाल रहे थे, तो एकदम गायब हो गए थे। तो गाइज़ इस टाइम पर हमको आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइक बहुत टेंशन ले लेते हैं हर चीज़ का हम, और घर में भी लाइक बहुत टेंशन है, घर का भी, बिल्ली का भी, और पर्सनल लाइफ का भी, और अब यूट्यूब का भी। तो एक ही चीज़ लाइफ में सुकून था मेरे, यूट्यूब, तो अब उसमें भी टेंशन लेने लगे। तो गाइस बस इतना ही बोलेंगे कि लाइक सपोर्ट करो,
खाली हर चीज़ में लाइक हम सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक बाइकर नहीं है, तो हम जिस जिस चीज़ में अच्छे हैं हम लाइक सब ट्राई करने वाले हैं इस बार। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, सपोर्ट देते रहना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जो घंटा आता है वो घंटा दबा दो लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आई होप जल्दी रिकवर करें ये सब चीज़ से, अगर आप लोग का तबीयत ख़राब है, क्योंकि बहुत लोग इस सिचुएशन में अपने अपने फैमिली वालों में बहुत इंपॉर्टेंट लोग को खो चुके हैं, और वो चीज़ का भी लाइक बहुत बुरा लगा है हमको। और घर में भी सबका तबीयत ख़राब हुआ था, मेरा भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से सब लोग रिकवर किए हैं, सब लोग ठीक हुए हैं। हम लोग बस इतना ही बोलेंगे कि आप लोग के घर में भी अगर तबीयत ख़राब हो, आपके मम्मी पापा या किसी का ये कोविड का सिचुएशन लेके, तो बस आप लोग मेन जो होता है जो आप सोचते हो उस पर डिपेंड होता है ज़्यादातर। अगर आप हेल्दी नहीं सोचोगे आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। आप तो आत्मविश्वास मत खो, मोटिवेटेड रहो, और इतना सोचो कि लाइक हमको ओवरकम करना है इस चीज़ से। तो घर वालों का ख्याल रखो, आप बाहर प्लीज़ मत निकलो। आप लोग सिचुएशन इंडिया का बहुत ख़राब है, डेली इतना केसेस बढ़ रहा है और सेकेंड वेव टाइप चल रहा है यहाँ पे, और बैंगलोर का भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो बाहर मत निकलो, लोगों से मत मिलो, अवॉइड करो, घर वाले के साथ रहो, उनको मोटिवेशन देते रहो, हेल्दी फील कराओ और ध्यान रखो उनका। तो यही था गाइस वीडियो, हम आएंगे फिर, पहले अब दो पेंडिंग वीडियो अपलोड होने वाला है, उसके बाद हम तब तक यहाँ पे शूट करेंगे जो कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करो किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएं जो हम घर बैठे बना सकते हैं, लाइक बाहर निकलने की जरूरत ना हो, तो कमेंट करना। तो ठीक है गाइस, ये था वीडियो, वीडियो पसंद आया लाइक मारो, एम करते 1500 लाइक, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो यार, दोस्तों नॉट अ पार्ट ऑफ शो गाइस, मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल बिकॉज़ इट्स नॉट एवरीडे ब्रो, एंड दोस्तों आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन Instagram डू फॉलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बिकॉज़ इसको और फॉलोअर चाहिए यार। देखो रिंग लाइट, कैमरा रिंग लाइट, तुम्हें मिरर ही के लिए यूज़ हो सकता है, कोई लायक नहीं है। हाँ तो एनी हाउ जो भी है चलता हम, हैव अ गुड डे बॉयज। हाँ मजा आ गया, ओ सही में सही में।